कही अनकही बातें शुरू करते हैं लेकर प्रभु का नाम। पूरे भारत में भोले भंडारी यानी भगवान शिव के अनेकों मंदिर है, जिसमें से कुछ के बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन आज मैं आपको भगवान शिव के 3 ऐसे रहस्यमय मंदिरों के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा, जिनके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री अचलेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है, जो चंबल और भीड़ों के लिए प्रसिद्ध है। भगवान अचलेश्वर महादेव का ये मंदिर इन्हीं दुर्गम भीड़ों के बीच है। इस मंदिर का शिवलिंग, जो दिन में 3 बार रंग बदलता है, सुबह में शिवलिंग का रंग लाल होता है, दोपहर में केसरिया, और जैसे जैसे शाम होती है शिवलिंग का रंग सांवला हो जाता है। इन रंगों के बदलाव के रहस्य को कोई नहीं जानता। अचलेश्वर महादेव का ये मंदिर भी काफी प्राचीन है। क्योंकि मंदिर का ये इलाका डाकुओं के लिए काफी प्रसिद्ध था, जिस वजह से यहाँ कम श्रद्धालु आते थे। साथ ही यहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी बहुत ही पथरीला और उबड़ खाबड़ था। जैसे जैसे भगवान के बारे में लोग जानने लगे, वहाँ पर भक्तों की भीड़ जुटने लगी। इस शिवलिंग की एक और अनोखी बात ये भी है कि इस शिवलिंग के छोर का आज तक पता नहीं चला है। ऐसा कहा जाता है कि बहुत समय पहले भक्तों ने शिवलिंग की गहराई को जानने के लिए इसकी खुदाई की, पर काफी गहराई तक खोदने के बाद भी इसके छोर का पता नहीं चला। अंत में भक्तों ने इसे भगवान का चमत्कार मानते हुए खुदाई बंद कर दी। भक्तों का मानना है कि भगवान अचलेश्वर महादेव भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। निष्कलंक महादेव। ये मंदिर गुजरात के भावनगर में कोलियाक तट से 3 किलोमीटर अंदर अरब सागर में स्थित है। रोज अरब सागर की लहरें यहाँ के शिवलिंगों का जलाभिषेक करती हैं। लोग पैदल चलकर ही इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं। इसके लिए उन्हें जवार उतरने का इंतजार करना पड़ता है। जवार के समय सिर्फ मंदिर का खंभा और झंडा ही नजर आता है, जिसे देखकर यह अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि समुद्र में पानी के नीचे भगवान महादेव का प्राचीन मंदिर भी है। ये मंदिर महाभारत काल का बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत युद्ध में पांडवों ने कौरवों का वध कर युद्ध जीता था, पर युद्ध समाप्ति के बाद पांडवों को पता चला कि उन्होंने अपने ही सगे संबंधियों की हत्या कर महापाप किया है। इस महापाप से छुटकारा पाने के लिए पांडव भगवान श्री कृष्ण के पास गए, जहां श्री कृष्ण ने पांडवों को पाप से मुक्ति के लिए एक काला झंडा और एक काली गाय सौंपी और पांडवों को कहा कि जब झंडा और गाय का रंग काले से सफेद हो जाए तो समझ लेना कि तुम सबको पाप से मुक्ति मिल गई है। साथ ही श्री कृष्ण ने पांडवों से यह भी कहा कि जिस जगह ये चमत्कार होगा वहीं पर तुम भगवान शिव की तपस्या भी करना। पांचों भाई भगवान शिव के कहे अनुसार काला झंडा हाथ में लिए और काली गाय पीछे लिए चलने लगे। इसी तरह वो सब कई दिनों तक अलग अलग जगह गए, लेकिन गाय और झंडे का रंग नहीं बदला। जब वो वर्तमान गुजरात में स्थित कोलियाक तट पर पहुंचे तो गाय और झंडे का रंग सफेद हो गया। इससे पांचों पांडव भाई बड़े खुश हुए और वहीं पर भगवान शिव का ध्यान करते हुए तपस्या करने लगे। भगवान भोलेनाथ उनकी तपस्या से खुश हुए और पांचों पांडवों को लिंग रूप में अलग अलग दर्शन दिए। वहीं पांचों शिवलिंग आज भी विद्यमान हैं। पांचों शिवलिंगों के सामने नंदी की प्रतिमा भी है। पांचों शिवलिंग एक वर्गाकार चबूतरे पर बने हुए हैं तथा कोलियाक समुद्र तट से पूर्व की ओर 3 किलोमीटर अंदर अरब सागर में है। इस चबूतरे पर एक छोटा सा पानी का तालाब भी है, जिसे पांडव तालाब कहते हैं। श्रद्धालु पहले उसमें अपने हाथ पैर धोते थे और फिर शिवलिंगों की पूजा अर्चना करते थे। भादव के महीने में ये अमावस को यहाँ भाद्रव मेला लगता है। प्रत्येक अमावस के दिन यहाँ भक्तों की भारी भीड़ रहती है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि यदि प्रियजनों की चिता की आग शिवलिंग पर लगाकर जल में प्रवाहित करे तो उनको मोक्ष मिल जाता है। मंदिर में भगवान शिव को राख, दूध, दही और नारियल चढ़ाया जाता है। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। ये मंदिर अरब सागर के बीच कैम्बे तट पर स्थित है।
इस मंदिर का उल्लेख महाशिव पुराण के रुद्र संहिता में मिलता है। इस मंदिर के शिवलिंग का आकार 4 फुट ऊंचा और 2 फुट चौड़ा है। स्तंभेश्वर महादेव का ये मंदिर सुबह और शाम दिन में 2 बार पल भर के लिए गायब हो जाता है और कुछ देर बाद उसी जगह पर वापस भी आ जाता है, जिसका कारण अब अरब सागर में उठने वाले ज्वार और भाटा को बताया जाता है। श्रद्धालु मंदिर का दर्शन तभी कर सकते हैं जब समुद्र की लहरें एकदम शांत हों। ये प्रक्रिया प्राचीन समय से ही चली आ रही है। इस मंदिर से एक पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार राक्षस तारकासुर ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। एक दिन शिव जी ने तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। उसके बाद वरदान के रूप में तारकासुर ने शिव जी से मांगा कि उसे सिर्फ शिव जी का पुत्र ही मार सकेगा, वो भी 6 वर्ष वाला। शिव जी ने ये वरदान दे दिया। इधर वरदान मिलते ही तारकासुर तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगा, जिससे डर कर सभी देवतागण शिव जी के पास गए। देवताओं के आग्रह पर शिव जी ने उसी समय अपनी शक्ति से श्वेत पर्वत कुंड से 6 सिर 4 आंख और 12 हाथ वाले एक पुत्र को उत्पन्न किया, जिसका नाम था कार्तिकेय। उसके पश्चात कार्तिकेय ने 6 दिन की उम्र में तारकासुर का वध किया। लेकिन जब कार्तिकेय को पता चला कि तारकासुर भगवान शिव का भक्त था, तो वे काफी परेशान हो गए। फिर भगवान विष्णु ने कार्तिकेय से कहा कि उस स्थान पर एक शिवालय बनवाते हैं, इससे उनका मन शांत रहेगा। भगवान कार्तिकेय ने ऐसा ही किया। फिर सभी देवताओं ने मिलकर वही सागर संगम तीर्थ पर शिव नंदन स्तंभ की स्थापना की, जिसे आज स्तंभेश्वर तीर्थ नाम से जाना जाता है। तो ये थे भगवान शिव के रहस्यमय 3 मंदिर। ऐसे ही कई और कही अनकही बातें जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ कही अनकही बातें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।